हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं हूँ निधि। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस समय पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड, इसके बाद में द हर्मिट का कार्ड है, इसके बाद यहाँ पर है किंग, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, टेन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड द टावर का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात अगर हम यहाँ कर लें तो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो के पर्सन है। द फूल का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो ये एक नई उम्मीद, नई किरण के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जहाँ पर वो होल्ड पर डाल रहे हैं, लेकिन ये एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे कि इनको अभी चीजों को रियलाइज कर लिया है, ये अपनी लाइफ में इस रिलेशन को कहीं ना कहीं भाप चुके हैं कि ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पहले हो सकता है कि अपने दिल में कई सारी चीजें रखते हों, बातें नहीं बताते होंगे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। बट अभी शायद न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर आ गए हैं, अपने शेल से बाहर आ गए हैं और जो भी चीजें थी जो अब तक नहीं कह पा रहे थे वो भी कह पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आया कि ये रिलेशन जो है ना बेस्ट है, ये रिश्ता बहुत हद तक बेहतरीन है, बेस्ट है। और अब तक ये पर्सन जो है ना काफी कुछ सोच रहे थे, गुस्से में थे, बहुत सारी बातें भी थी यहाँ पर और सोचते भी थे बहुत सारी बातें, और अब उनको लग रहा है कि हाँ अभी सारी चीजें बेस्ट हैं और उस पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन को एक न्यू लेवल तक लेके जाना चाहते, एक नए लेवल तक लेके जाना चाहते, एक नया आयाम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इनके साथ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और आपके आपका रिलेशनशिप अब तक चाहे कितना ही डामाडोल रहा हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो ज्यादा बेहतर है, आने वाले फ्यूचर में चीजें बेहतरीन होती हुई नजर आएंगी। पहले चाहे कितनी ही गड़बड़ हुई हो, लेकिन आती हुई सारी चीजें बेहतर हैं, आते हुए वक्त में हम सब चीजों को अच्छा देख रहे हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, पॉजिटिवनेस यहाँ नजर आ रही है आपके पर्सन के साथ में, ये लग रहा है। और ये पॉजिटिविटी सिर्फ यूं ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ये पर्सन इतना पॉजिटिव है। आप इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, ये रिश्ता इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज्यादा ये रिश्ता जो है ना इनका, ये इसको कंप्लीटनेस तक लेके जाएंगे, और अब कुछ भी हो जाए ये रिश्ता बस इनके लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट, यही दिख रहा है मुझे पर। तो ये है रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।